नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों यहां पर हम काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर दोस्तों T20 वर्ल्ड कप को लेकर ये अपडेट है। दोस्तों पाकिस्तान, बड़बोले पाकिस्तान ने एक बड़ा बयान दिया है T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराने को लेकर। दोस्तों यहां पर क्या कुछ कहा है इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों 17 अक्टूबर से ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने एक बड़ा बयान दिया था। वहीं वहाब रियाज के इस बयान में टीम इंडिया का नाम भी शामिल है, जिसके कारण ये बयान तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही इंडिया का नाम आता है क्रिकेट में, तो वो चीज़ सुर्खियां तो बटोरती है। आपको बता दें कि आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप साल 2016 में खेला गया था, जो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जीता था। अब दोस्तों वहाब रियाज ने अपने बयान में क्या कुछ कहा इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों क्रिकेट में लंबे समय से बयानबाजी का दौर चलता रहा है। वहीं जब ये बयानबाजी भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर आती है, तो अपने आप बड़ी सुर्खियां बन जाती है। ऐसा ही एक बयान पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने टीम इंडिया को लेकर दिया है, जिसमें दिखा दिया है कि आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किसी भी टीम को हरा सकती है, ऐसा बयान वहाब रियाज ने दिया है। वहाब रियाज के मुताबिक पाकिस्तान की टीम भारत को हराने का दम रखती है। UAE में पाकिस्तान ने खेला है काफ़ी क्रिकेट, जिसके कारण टीम को होगा इसका फ़ायदा, ऐसा वहाब रियाज का मानना है। रियाज ने कहा कि पाकिस्तान की टीम UAE की पिचों को अच्छी तरह से समझती है, तो इसलिए वो भारत को हरा सकती है। अब दोस्तों क्या ऐसा सच में है, क्या भारत को वाकई में वहाब रियाज का ये स्टेटमेंट कहाँ तक आप सही समझते हैं? आप अपनी राय एक ट्रू फैन होने के नाते ज़रूर दें। अब दोस्तों अब बात करें कि कब होगा भारत पाकिस्तान का मैच। तो दोस्तों 17 अक्टूबर से ओमान में ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज होगा, जहां टूर्नामेंट में सबसे पहले सुपर 12 में जगह बनाने के लिए 8 टीमें भिड़ेंगी। इसके बाद 23 अक्टूबर से सुपर 12 के मैच खेले जाएंगे, और जबकि 14 नवंबर को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। आपको बता दें कि दर्शकों को भी मैच देखने के लिए एंट्री मिल सकती है। भारत और पाकिस्तान की टीमें ग्रुप दो में हैं। 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होगा, बड़ा मुकाबला होगा, और दोनों टीमों के बीच में दुबई के मैदान पर ये वाला मुकाबला होगा। दोस्तों आपके हिसाब से क्या वहाब रियाज का कहना सही है? क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान की टीम हरा सकती है? क्या वाकई में उनको उन पिचेस का फायदा मिलेगा? कमेंट सेक्शन आप ही के लिए यार, भर भर के कमेंट कीजिए, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।